में डीपली कवर करेंगे केसीसी T10 चैलेंजर कप का आज का दिन का सेकंड T10 मैच के बारे में, जो खेला जाएगा CCB वर्सेस FRB के बीच में। दोनों टीमों में बड़ा अंतर है क्योंकि CCB की टीम बहुत स्ट्रांग टीम से टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेली है, 1-sided जीती है। सामने वाला टीम FRB की टीम से, टीम ने 2 मुकाबले टूर्नामेंट में खेली है, 1 जीती है, 1 हारी है। हमने सब चीज़ निकाला है, मतलब आपको स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम में आखिर किस प्लेयर्स को क्यों लेने हैं, कौन आपके लिए स्मॉल लीग का पिक रहेगा, कौन आपके लिए GL का पिक रहेगा, किसका बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रहेगा, हर एक कोई चीज़ बताएंगे जिससे आप एक बेहतरीन वाली खुद से आप टीम क्रिएट कर पाओ, चाहे आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, चाहे आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, बस सब कुछ क्लियर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में कोई भी फर्दर अपडेट आएगी हम जिस टीम से खेलेंगे ना, सेम टीम टेलीग्राम आपको चैनल पर देंगे, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके जुड़ो या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @FXpart, हमने जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे। 15,100-200 समथिंग सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा और आपने यहीं पर क्लिक करके जुड़ने हैं। लास्ट टाइम में कोई भी फर्दर अपडेट आएगी, मैंने बोल दिया कि टीम आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मैचेज रहेगा 12:45 में नाइट को, हम उस समय अवेलेबल रहेंगे और टीम आपको टेलीग्राम पे देंगे। वेन्यू सेम रहेगा, सुलाबिया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में, और वेन्यू पे हमने ऑलरेडी 9 मुकाबले देखे हैं। चेज करना आसान होता है, बट यहाँ पे CCB की टीम चाहे चेज करे चाहे जो भी करे, भाई इनकी टीम मतलब मैचेज जीती है, तो आप इनके फेवर में टीम क्रिएट करेंगे। ओपनिंग करा के देंगे मोहम्मद रामी, जिनके साथ आएंगे मोहम्मद अकरम, रमेश इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे। लास्ट के दिन के में 42-19 करे हैं, सेफ रहेंगे और आप स्मॉल लीग और हेड की टीम इनके साथ जाइएगा। अकरम को अब पहले रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि बल्ले से 13-18 करे हैं, उनके अलावा कभी कभार इनको टीम पार्ट टाइम ओवर देती है ना, तो अकरम को टीम डेथ में देती है, धोखा से एक ओवर कर जाए वैसा अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी के लिए इनको भी पलर पिक करो। और शशंका विश्वजीत 17-1-0 है, आप इनको छोड़ ही सकते हो नो डाउट। अहिलान रातम को कैप्टेंस वाइज कैप्टेंसी करना बेहतर रहेगा, 22 रन 3 विकेट, 40 रन 1 ओवर 2 विकेट, बॉलिंग बैटिंग दोनों करने की क्षमता है, ऑलराउंडर सेक्शन से आप इनको कैप्टन करो। वेंकटेशन अभिषेक को हमने दोनों गेम में रखा था, और दोनों गेम में एक वाला गेम में 16 रन 2 विकेट, लास्ट वाला गेम में 1 विकेट है। इंडिका संजीव इरांडा 6 रन 2 ओवर 7 रन 2 विकेट 1 ओवर, 21 रन 1 विकेट, दोनों गेम में मतलब तीनों गेम में कुछ ना कुछ ओवर बॉलिंग करी है, जब जब कराया डेथ में करा और विकेट निकाल के इन्होंने दिया है। मोहम्मद रुजली, वैसे तो मोहम्मद रमीज के साथ तो मोहम्मद रुजली ही ओपनिंग कराते हैं, लेकिन रुजली लास्ट वाला गेम में काफ़ी नीचे खेला था। विराज सेकरा को विकेट लेस गए थे, लास्ट के 3 के गेम में 2 ही विकेट है, आप इनको भी पलर अभी के लिए लीजिएगा। थेवान आर सिंह के केवल फील्डिंग करा था, मेंडिस 0 पर आउट हुआ था। संजीवा परेरा टीम के बढ़िया विकेट कर बॉलर, लास्ट के 3 गेम में 4 विकेट है, हर गेम में 2 ओवर इनका भी है। सेफ रहेगा वो रहेगा मोहम्मद रामीज पहला, अकरम दूसरा, तीसरा महिला रात्रम को पी करेंगे, चौथा वेंकटेशन अभिषेक, पांचवा इंडिका संजीवा, छठा विराज विराशेखर को पी करेंगे, सातवा रखना है तो संजीवा परेरा को रखिएगा। बेंच वाले जो भी बुलेट बैठे हैं, हमने स्टैट्स निकाली है, कोई कहीं पर भी खेलेगा तो टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे चलिएगा। सामने वाली टीम में FRB की टीम से, टीम ने टूर्नामेंट में ऑलरेडी 2 मुकाबले खेली है, 1 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबले हारी है, मतलब पहले वाला गेम हारी थी, लास्ट वाला गेम जीती है। दोनों गेम में मतलब पहले वाला गेम में भाई पूरा 10 विकेट इनका गिरा था। ओपनिंग करा कर दिए थे ताई नईम शहजाद, इनके साथ आए थे उदय कुमार पशुपति। ताहिर नईम शहजाद विकेट कीपर में अवेलेबल है, आप ले सकते हो, लेकिन सामने वाले टीम से मोहम्मद रमीज को हमने रखा है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, 4/25 है। उदय कुमार पशुपति 16/29 है, तो इन दोनों में से हम प्रेफर करेंगे कि पशुपति के साथ जाओ, क्योंकि सामने वाली टीम से हमने ऑलरेडी मोहम्मद रमीज को विकेट कीपर सेक्शन से रखा है। अब्दुल्ला ने 24 रन नोट आउट करे थे, 1 रन बल्लेबाजी कराई थी, उमर जहीरुद्दीन को छोड़ो, शशि कुमार पांड्या ने 1 विकेट निकाले थे, और आप इनको पलर रखो क्योंकि भी बॉलिंग बैटिंग करा सकते हैं, तो अभी मैं इनको पलर रखता हूँ। मर्ताजा नसीम मोहम्मद, इन्होंने लास्ट के दोनों गेम में 2-2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, आप इनको रखिएगा। अब्दुल रहमान हुसैन की जल्दी लास्ट वाला गेम ने काफ़ी विनिंग करी थी, पता है 2 विकेट निकाले गए थे 2 ओवर डाल के, सिलेक्शन ना के बराबर था, हमने रखा था 2 विकेट निकाला था, क्योंकि टीम इनको प्रॉपर डेथ में दे रही है ना, इसलिए। सोलोमन अरुल पहले वाला गेम में 2 विकेट, लास्ट वाला गेम में 1 विकेट, मजहरुल इस्लाम के ऑल फील्डिंग करा था। इरशाद हुजैर मोहम्मद आए थे, 1 ही ओवर डाले थे लेकिन 2 विकेट निकाले गया था। कोलापारली आए थे लास्ट वाला गेम में, पता है इनको टीम ने 2 ओवर दिया था, विकेट लेस गए थे।
इम्पोर्टेंस रहेगा ताइलीम सजा पहला, उदय कुमार पशुपति दूसरा। अगर आप इन दोनों को ले रहे हो तो निषाद अब्दुल्ला को छोड़िएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से आप उदय कुमार पशुपति को ले रहे हो, इनको छोड़ रहे हो, तो फिर अब्दुल्ला को लेना बनता है। लेकिन हम इन दोनों ओपनर के साथ जाएंगे। दो हो गया, शशि कुमार पांड्यन तीन, मुर्तजा नसीम उमर चार, अब्दुल रहमान पाँच, अरुल छः, सातवां पिक करेंगे इन दोनों में से हुजर हम मोहम्मद के साथ, क्योंकि टीम लास्ट वाला गेम एक ही ओवर में दो विकेट निकाला था, तो आई थिंक आज वाला गेम इनको ज़्यादा ओवर मिल सकता है। अब्दुल वहाब, अहमद इफ्तिकार, अनीस बाबू, मोहम्मद तोहीद हसन, बढ़िया बढ़िया ऑलराउंडर, बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी इस टीम से भी बेंच पे हैं, तो टीम अगर उनको मौका देती है तो उनके साथ हम जाएंगे। विकेट कीपर में ताई नेम सजाद, मोहम्मद रामीज के साथ हम जाएंगे। बल्लेबाजी क्रम में उदय कुमार पशुपति रहेगा, इंडिका संजीवा। ऑलराउंडर में पांड्यन, अहिलान, रात्रन, विराज, वीरशेखर, मुर्तजा नसीम, मोहम्मद अकरम, अभिषेक। फिर आएंगे यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में, संजीवा परेरा को रखिएगा, उनके अलावा आपको आना है सीधे शशि कुमार पांड्यन को छोड़ना है और अरुण को रखना है। अब्दुल रहमान लास्ट के दोनों के में बॉलिंग करी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि विकेट कीपर में नईम को छोड़ करके आप अब्दुल रहमान के साथ जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर विकेट गिर रहा है ना, इसीलिए मैंने अहिलान रत्नम को कैप्टन करा है। वाइस कैप्टनशिप विराज वीरशेखर रहेगा, आप अपने हिसाब से बीसी करिएगा, बीसी का बेस्ट ऑप्शन अभिषेक रहेगा। और अक्रम को कर सकते हो, लेकिन टीम अक्रम को कभी कभार बोली देती है, कभी कभार नहीं देती है ना, इसलिए मैं इनको कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप नहीं करा। लास्ट टाइम में कोई फर्दर अपडेट आएगी तो टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें, टेलीग्राम पर जुड़ जाए। बेस्ट ऑफ लक।